मैं करण आज लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड रोटेशन एंड रिवोल्यूशन के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। लॉन्गिट्यूड जिसे हम हिंदी में देशांतर भी कहते हैं, लॉन्गिट्यूड मतलब लंबा, जो लंबा लंबा लाइन है, और ये 300 रहता है, और एक डिग्री को पार करने में हमें 4 मिनट का समय लगता है। और इसी तरह अगर हम लोग 360 × 4 करें तो निकलेगा 1440 मिनट्स, जो कि 24 आवर्स के बराबर है। और ये लॉन्गिट्यूड हमें टाइम बताने में भी मदद करते हैं। जैसा कि हम लोग ये मैप में देख सकते हैं कि ये जो लाइन्स है ये वाले, वो लॉन्गिट्यूड जिसे हम कहते हैं, और यहाँ पर क्लॉक बना हुआ है, इसका मतलब कि हमें लॉन्गिट्यूड टाइम बताने में मदद करता है। हाँ, तो ये हमें टाइम बताने में मदद करता है, जैसा हम लोगों ने देखा मैप में। और ये जो प्राइम मेरिडियन है ये लॉन्गिट्यूड को डिवाइड करता है। जैसे कि ये वाला जो हमारा लाइन है, ये वाला, ये हमारा प्राइम मेरिडियन है जो जो कि लॉन्गिट्यूड को डिवाइड किया है। और लॉन्गिट्यूड नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक खींचे जाने वाला लाइन है। और ये हम लोग जो देख रहे हैं, ये दो लॉन्गिट्यूड के बीच का जो जगह है उसे हम गोरे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोरे बोलते हैं। ये दो लॉन्गिट्यूड के बीच के जगह को हम गोरे बोलते हैं। तो अब हम लोग आते हैं लैटिट्यूड पर, जिसे कि हिंदी में अक्षांश बोला जाता है, और लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ। लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ, ये याद करने का बहुत ही अच्छा ट्रिक है। और लैटिट्यूड कितना होता है? 180, ठीक इसका हाफ। हम लोग इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। और एक डिग्री से दूसरा डिग्री का डिस्टेंस कितना होता है? 111 किलोमीटर, ठीक है। हमें डिस्टेंस को नापने में मदद करता है। अब ये जो हमारा लाइन है ये लैटिट्यूड है। अगर हमें इंडिया से यूएसए जाना है तो उसके बीच कितना डिस्टेंस है ये हमारा लैटिट्यूड तय करता है। अब ये जो हमारा इक्वेटर है ये नॉर्थन हेमिस्फीयर, ये जो हमारा इक्वेटर है ये नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथन हेमिस्फीयर को डिवाइड करता है। और सॉरी, ये जो इक्वेटर है ये अर्थ को डिवाइड करता है, और जो अपर पार्ट है उसे हम नॉर्थन हेमिस्फीयर बोलते हैं, और जो लोअर पार्ट है उसे हम साउथर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। और हमारा इंडिया नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। और ये जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जो एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड के बीच को जगह को हम कटिबंध या जोन बोलते हैं। क्या मैंने बोला? ये एक लैटिट्यूड और दो लैटिट्यूड के बीच के जगह को हम कटिबंध या जोन कहते हैं। अब हम लोग रोटेशन और रिवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। रोटेशन किसे कहते हैं? अर्थ सन के चारों ओर घूमती है। और रोटेशन में क्या होता है? जब अर्थ अपने एक्सिस में एक चक्कर लगा लेती है तो उसे हम रोटेशन कहते हैं। वो एक लट्टू की भांति घूमती है, और वह घूमते घूमते पूरे सन का चक्कर लगाती है। इट कॉजेस डे एंड नाइट। अगर हम एप्रोक्स लेके चले तो 24 आवर्स, लेकिन अगर एग्जैक्ट ले तो 23 hours 56 minutes 4.09 seconds लगता है, और वह एक आवर में 1610 किलोमीटर घूमती है, और वो वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है। एक अर्थ को रोटेशन करने में 24 आवर्स लगता है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिवोल्यूशन के बारे में। तो रिवोल्यूशन किसे कहते हैं? जब अर्थ सन के चारों ओर घूमती है और अपने जगह में स्वयं आ जाती है।
उसी जगह में, तो हम उसे रेवोल्यूशन कहते हैं। इट कॉजेस सीजनल चेंजेस, विंटर, समर, ये सारे सीजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो आते हैं इसी के कारण आते हैं। इसके कारण दिन और रात छोटे बड़े भी होते हैं और इसे अप्रोक्स 365 डेज लगता है, लेकिन अगर हम लोग एग्जैक्टली लेके चले तो 365 डेज 49 मिनट्स 12 सेकेंड्स लगता है। एक परिक्रमा करने, सूरज का एक परिक्रमा करने में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि ऐसे किन्हीं दो दिनों का नाम बोलिए जिस दिन दिन और रात इक्वल रहता है हमारे अर्थ में। तो उसका आंसर होगा 21 मार्च एंड 22 सितंबर। यही दो दिन डे एंड नाइट इक्वल रहता है हमारे अर्थ में। थैंक यू।